इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान पहला T20 आज। अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ पहली जीत का इंतजार, कोहली राशिद नहीं खेलेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज मोहाली में खेला जाएगा। भारत के लिए सीरीज T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिहाज से अहम है। टूर्नामेंट से पहले भारत की यह आखिरी T20 सीरीज है। इसके बाद भारत इंग्लैंड से 5 टेस्ट खेलेगा और फिर IPL शुरू हो जाएगा। IPL के मई के तीसरे सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। टूर्नामेंट के ठीक बाद 1 जून से ही वेस्ट इंडीज और अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा। भारत अफगानिस्तान के बीच 5 T20 हुए। T20 फॉर्मेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 मैच हुए हैं। 4 भारत ने जीते जबकि 1 मुकाबला बेनतीजा रहा। ये सभी मुकाबले T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप में खेले गए। कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि शुभमन गिल नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। विराट कोहली पर्सनल कारणों से पहला T20 नहीं खेलेंगे। भारत का इस साल यह पहला T20 मुकाबला होगा। सूर्य कुमार यादव पिछले साल टीम के टॉप रन स्कोरर रहे, लेकिन वे चोट की वजह से सीरीज नहीं खेल रहे। दूसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल हैं, वहीं 2023 में टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए, उनके नाम 26 विकेट रहे। अफगानिस्तान की कमान इब्राहिम जादरन संभालेंगे। गुरबाज ने अफगानिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए।